हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय सेकंड ब्लॉग ऑफ टूर ऑफ टाकी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा कि हम लोग किस तरीके से कोलकाता से 70 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके टाकी पहुंचे हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं अब आप लोगों को आगे की जर्नी दिखाऊंगा और पूरा टाकी में आप लोगों को घुमाऊँगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी नए देख रहे हैं तो फ्रेंड्स उनको बता दूँ कि मैंने लास्ट ब्लॉग में मैं कोलकाता से टाकी का टूर का वीडियो डाला है, फर्स्ट व्लॉग। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वहाँ देख सकते हैं, उसके बाद आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टूर ऑफ टाकी। टोटो टोटो घुमाने के लिए टोटो टोटो कत करे? हमारा 300 টাকা নেই স্যার, 5 টাকা করে এক্সট্রা। বাবা, ওই যে এদিকটা জেনারেল শঙ্কর আচার্য বাড়ি আছে, 300 টাকা পার হেড। না না, একটা টোটো, একটা জানেকা জানেকা আপ ডাউন আপ ডাউন। 1 ঘন্টা 10 15 মিনিট। এক ঘন্টায় কি হবে তাহলে? আমরা 1.5 ঘন্টা সেখানে সময় দেবো। এই তো প্রথম জেনারেল শঙ্কর আচার্য বাড়ি, ব্রিটিশ আমলের নলকূপ, বিসর্জন সিনেমার শুটিং স্পট দেখায়, নন্দওয়াল দেখায়, মিনি সুন্দরবন যেটা গোলপাতা জামু। আপনি বেছে বেছে 10টা। তো ফ্রেন্ড, জেসে আবি আপ লোগো নে দেখা কি এক লোকাল টুরিস্ট টোটো ওয়ালা জো 300 চার্জ মাং রাহা থা, वो यहाँ का लोकल टोटो वाला है। वो हमें यहाँ के जितने भी स्पॉट्स है वो हमें 1 से 1.5 घंटे में वो सारे स्पॉट्स कवर कराते हैं, वो हमें घुमाते हैं। तो अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो आप एक टोटो ले सकते हैं, वो आपको 300 रुपया लेगा एक टोटो का, और आपको पूरा जो एरिया का जितना भी टूरिस्ट प्लेस है या स्पॉट है वो आपको घुमा देगा। और ये भी आप देख पा रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़े हैं और यहाँ पे सारी दुकानें जो खाने पीने की दुकानें, अभी मॉर्निंग टाइम है इस वजह से ये सारी दुकानें भी बंद है, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग में उतना ज़्यादा रश नहीं होता है। हम लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे चले आए हैं तो इसलिए सारी दुकानें बंद है। फिलहाल अभी हम लोगों को भूख लगा और ब्रेकफास्ट करना है, चलिए थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट भी करेंगे। चलिए अब आप लोगों को आगे ले करके चलता हूँ और इस वीडियो में पूरा बने रहिए। और इस प्लेस की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको रिवर साइड ही आपको बहुत सारी अफोर्डेबल रेट में आपको बहुत सारी होटल मिल जाएंगे। आप अपने पॉकेट के हिसाब से आप यहाँ पे होटल में स्टे कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं रिजॉर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे होटल है, तो आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं। एंड अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारी होटल या आप गेस्ट हाउस बोल सकते हैं रहने के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग चलते हैं घाट की ओर। ये रास्ता हम घाट की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमें लॉन्च मिल जाएगा। अगर हमें नदी में घूमना है तो यहाँ से हमें लॉन्च मिलेगा और यहाँ पे बैठने की भी जगह है। तो चलिए अभी हम घाट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कोई लॉन्च खाली है या नहीं, ताकि हम लोग नदी में भी घूम पाएँ। ये मिली हमारे दो फ्रेंड से, माई कज़न एंड माई फ्रेंड तकी एंड गुलाम। फ्रेंड्स ये रहा आपका रिवर साइड। तो फ्रेंड्स सामने में जो आप ये नदी देख पा रहे हैं ये इच्छामती नदी है, जो कि बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पड़ता है। तो आधा बांग्लादेश उस साइड में पड़ता है और आधा हिंदुस्तान में पड़ता है। तो आप सामने में जो देख पा रहे हैं वो सामने में जो टापू आपको दिख रहा है वो बांग्लादेश है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आधी नदी हम लोगों के हिंदुस्तान में और आधी नदी वो बांग्लादेश में है। और अगर हम यहाँ पे बोटिंग करने जाते हैं तो एक बोट का ये लोग चार्ज मांग रहे हैं 2000 रुपीज़। इसमें आप ग्रुप में 10 आदमी या 5 आदमी 6 आदमी ये वही रेट लेते हैं, 100-200 रुपया ये बोल रहे कि ये कम कर देंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा करीब से इस नदी के दर्शन कराऊं और कुछ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि अभी मानसून का मौसम भी है और खुला आसमान और इस नदी के धारे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ आया हूँ ताकि में, और ये मेरे ये फ्रेंड भी इंजॉय कर रहे हैं।
ये सामने में देख पा रहे वो दोनों अपने आप में मगन है। तो फिर जैसे कि आप सामने में देख पा रहे हैं कि एक टूरिस्ट बोर्ड आ रहा है जो वो टूर पे निकला हुआ था टूरिस्ट को लेकर के, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरीके का बोट आप भी हायर करके आप भी इस पूरे नदी में घूम सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं इस जगह का। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं एक छोटे से होटल में जहां हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ में ब्रेकफास्ट में घुघनी पराठा या घुघनी लूची मिल जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे बटर टोस्ट भी या बटर ये ऑमलेट भी खा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, यहाँ बहुत सारे वैराइटीज अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट आ चुका है, छोला और लूची एंड ऑमलेट ब्रेड। ये आप देखिए ये छोला एंड लूची, ये 30 रुपीस प्लेट है एंड ब्रेड एंड ऑमलेट 25 रुपीस है पर प्लेट। और हमें ये ताज़ा ताज़ा डाब भी मिल गया यहाँ पे पीने के लिए फ्रेंड्स। तो ये डाब हमें 40 रुपये करके मिले, ऑलमोस्ट बंगाल में भी यही दाम मिलता है, बट वहाँ अगर डाब में इतना फ्रेशनेस और इतने बड़े साइज के नहीं मिलते। यहाँ पे बहुत ही ताज़ा, जैसे कि हम लोग कोची बोलते हैं, इसमें सिर्फ पानी है और 40 रुपये का बहुत ही अच्छा है फल। तो चलिए अब हम लोग डाब पी लेते, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग एक बार फिर से निकल चुके हैं टूर पे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग बाइक चलाते हुए ना बाइक चला, वहाँ से खड़ा हो जाएगा, बाइक चला के जाएंगे, अच्छा लगेगा ना। क्या बोल रहे भाई? ले लेंगे, भी ले लेंगे। उधर घुमा रहे हम लोग बाइक चला के जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ले लेंगे, आराम से चल लेना, जल्दी क्या जीत का है। पानी भी कैसे ले रहे ना, कहीं पे है कहीं पे मतलब लाल, कहीं पे बालू वाला लग रहा है, कहीं पे काला लग रहा है। पानी मतलब है नहीं, बालू है, बालू तो मतलब गड्ढा नहीं है, पूरा बालू है, डीप नहीं है बस। यहाँ बारिश अभी नहीं हुआ है ना, इसलिए
साला जो भी लगा हुआ बहुत भयानक लगा, चुनचुना रहा है एकदम। यहाँ का बैठने का है ना वो, ये इसका वाला है तो ना इधर आकर लगा देते हैं पार्किंग। मालूम है मुझे गाड़ी क्या हो जाता। तो फ्रेंड्स टाकी घूमने के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं गोलपाता मिनी सुंदरबन के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं मिनी सुंदरबन या उसे मिनी फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं आप, गोलपाता मिनी फॉरेस्ट की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हैं साइड में बहुत सारे होटल या गेस्ट हाउस रिजॉर्ट्स अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पे चाहें तो वन नाइट स्टे कर सकते हैं। आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको होटल या गेस्ट रूम मिल जाएंगे। करते भाई ना भाई।